दोस्तों मैं दिल्ली जा रहा था और मेरे को बाबा मिले जो कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, हम इनसे बात करेंगे। बाबा जी, हाँ जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा नाम प्रहलाद दास है, मैं वृंदावन जा रहा हूँ। वृंदावन जा रहे हैं? प्रहलाद दास। और ये साइकिल से जा रहे हैं? बठिंडा से आ रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हैं? बठिंडा। बठिंडा से वृंदावन इसी साइकिल से? आप चप्पल नहीं डालते हैं और आप खाना भी नहीं खाते हैं? खाना भी नहीं खाते, चप्पल भी नहीं डालते, कपड़े भी नहीं पहनते। कपड़े भी नहीं पहनते? चारपाई पे भी नहीं लेटते। अच्छा, रिश्तेदार में नहीं जाते? रिश्तेदार में भी नहीं जाते। पांच चीज का त्याग किया है? पांच चीज का त्याग किया है। और ये त्याग मतलब ये कितने समय से आपने कर रखा है ये त्याग? मेरा हो गया 15 साल हो गए। 15 वर्ष हो गए। और वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं? MP ग्वालियर। ग्वालियर के? तो 15 वर्षों से आप इस यात्रा में हैं या ये यात्रा हाल फिलहाल में शुरू की है? ना, 15 वर्ष से ही यात्रा में, तो और ज़्यादा से 20 साल से ही। यात्रा में 20 साल से हैं इसी ऐसी साइकिल से? इसी साइकिल से या दूसरी साइकिल से? इसी से। ये 20 वर्षों से आपका साथ दे रही है? अभी बदल दिया था सामान, 5-6 महीने पहले पंजाब में डलवा दिया एक सेठ ने। हाँ। सारा सामान 2000 रुपये लगा दिए इसमें। वाह, डाटा मिलते रहते हैं अपने आप करते था, कोई ना कोई टायर ट्यूब सब बदल दिया, सब काम हो गया। मेरे मैंने तो कभी पैसा खर्च किया ही नहीं। अच्छा। कुछ खरीदा ही नहीं, ब्रेक बगैर खरीदे मिलता, बगैर मांगे बगैर खरीदे, बीड़ी तम्बाकू कुछ भी नहीं खरीदा मैंने अभी तक। कहीं भी, कहीं भी ये है जिंदगी। एडवांस में पड़ी रहती है, देखो इतनी सारी बीड़ी पड़ी है एडवांस में। बीड़ी पीते हो? हाँ, पीता हूँ आधा कदा, इतना पड़ा है एक पैकेट से ज्यादा पड़ा है। तो आप आधा कदा पीता हूँ। तो आप सोते, जैसे आमतौर पर मैंने देखा है यात्रा करते लोग मंदिरों में या गुरुद्वारों में रुकते हैं, सोते हैं, तो आप सोते कहाँ हैं ज्यादातर आपका? गुरुद्वारा मंदिर मिल गया तो ठीक है। हाँ। नहीं, प्रतीक्षालय में भी लगा लिया आसन अपने, बनाया खाया, गैस पे सब है मेरे पे। गैस पे सब कुछ है, सब बना खा लेता हूँ अपने आराम से। बर्तन भी है पीछे, पीछे बर्तन भी है। मतलब ये पूरी आपका घर है ये साइकिल? हाँ, पूरा डेरा है, ये डेरा है, ये मंदिर है, पूरा घर है, पूरा बठिंडा से आ रहा हूँ। बठिंडा भी पीछे से आया था, दो चार एक महीने बठिंडा रुक गया था। अच्छा। वैसे तो मैं उधर से आया था, तो बालाजी है सैलम से, बालाजी से उधर से आया था, राजस्थान से उधर से घूमे। कपड़े उज्जैन से निकला था? कपड़े नहीं डालते आप? ना ना, एक वस्त्रधारी है। तो आप मतलब जीवन में ये कैसे ये सोच आई, यहाँ तक कैसे पहुँचे? धीरे धीरे, पहले शुरू में मैंने सिर्फ जूता छोड़ दिया था मैंने। हाँ। फिर मैं इधर नीमसार गया नखलुकुसाड में। हाँ। तो परकम्मा चारपाई पे नहीं लेटते, परकम्मा लगाते हैं, तो मैंने फिर परकम्मा में चारपाई छोड़ दी, पंजी छोड़ दी। हाँ। उसके बाद में मैं इधर आया ब्रज में, 84 की परकम्मा लगाई, तो वहाँ फलारी लगा रहे कुछ लोग, तो मैंने भी फलारी कर दी। अच्छा। जब से चार बार परकम्मा खिली, 3 साल बाद परकम्मा आती है वो। तो आप कितने साल से फला आ रही हैं? 15 साल से फला। 15 साल से फला आ रही हैं और 15 साल से ही आपने वस्त्र नहीं पहने? वस्त्र तो और पहले से नहीं पहना, फलारी बाद में हुआ हूँ। जूता चप्पल ये वस्त्र तो शुरू से ही नहीं पहना मैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, चप्पल भी नहीं डालते महाराज, और साइकिल जो है पुरानी हीरो की साइकिल जो गांव में गांव देहात में चलती है ज़्यादातर, वो साइकिल। आप कुछ कहना चाहते हैं लोगों को साइकिल के बारे में कि साइकिल चलाएं, या कुछ ऐसा कुछ बात बोलना चाहते हैं? साइकिल चलाने से शरीर सही रहता है, बॉडी फिट रहती है, रोग नहीं आएगा। अच्छा, सड़क पे चलते एक कहा जाता है, घर से जब हम घर से आते हैं ना, तो माँ भी बोलती है, बड़े बूढ़े भी बोलते हैं, भैया ध्यान से जाइयो, ठीक है ना? मतलब कि सड़क जो है
वो सबसे खतरनाक जगह है, तो है ना, इतना नहीं है, थोड़ा अपना को अनुभव होना चाहिए, वाहन का अंदाजा होना चाहिए, सड़क पार कर रहे हो तो उसकी गति अपनी गति मिला के चलोगे तो कभी खतरा नहीं होगा। आपको कभी कोई ऐसे लोग मिले, शरारती तत्व मिले? मिल जाते हैं कोई कोई, वैसे तो मेरे को पुलिस वालों ने भी गांजे की पुड़िया मंगा की थी, ये गांजा भी पी लेता हूँ कभी, थक जाता हूँ तो शाम को थक जाता हूँ, एक सिरप लगाता हूँ 24 घंटे में। अच्छा। एक कश लगा लेते हो? हाँ, एक लगा लेता हूँ, वो भी मेरे को पुलिस वाले भी देते हैं, चाय भी पिला देते हैं बुला के, मेरी तो सारे कोई सेवा करता है, ऐसा कोई नहीं है कि वो सेवा नहीं करे। अभी मैं चाय वाले पे ढाबा पे मुड़ गया था पानी पीने के लिए, भोजन तो कर लिया था मैंने, जल पिया तो उसने चाय पिला दी, फिर एक और बोला कि एक और पिलाओ इनको, दो पिला दी उन्होंने, बीड़ी भी पिला दी, मेरा तो कुछ खर्चे ही नहीं होता है, ऐसी सेवा करते रहते हैं। आपका नाम क्या है? प्रहलाद दास। प्रहलाद दास, आपने बताया था नाम, माफ़ करना। तो आप और कुछ कहना चाहते हो? बस बहुत है, बहुत है, ज़्यादा तारीफ ठीक नहीं है, ज़्यादा तारीफ ठीक नहीं है।